हिमाचल में जहां एक ओर स्कूल बंद पड़े हैं, शिक्षा ना के बराबर हो रही है, परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, ज्यादातर विद्यार्थी इस व्यवस्था से परेशान नजर आ रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। लेकिन इस दौरान सोलन के दो युवा हर्षित जैन और हिमांशु यादव ने शिक्षा व्यवस्था से हार नहीं मानी और अध्यापक जयलाल शर्मा से ऑनलाइन ट्यूशन लेते रहे। दोनों विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की और उन्होंने एनटीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये परीक्षा अभी राज्य स्तर पर हुई है और अब दोनों युवा राष्ट्र स्तर की परीक्षा देंगे, जिसमें करीब 10 लाख युवा भाग लेंगे। अगर ये परीक्षा में भी वे उत्तीर्ण होते हैं तो भारत सरकार द्वारा उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाया जाएगा। बड़े बड़े शिक्षा संस्थान इन बच्चों को अपने संस्थान में ले जाने की तैयारी में भी रहते हैं। ट्यूशन टीचर जयलाल शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हर्षित जैन और हिमांशु यादव बहुत बुद्धिमान छात्र हैं जो सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें फक्र है कि जिला सोलन के दोनों युवाओं ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और दोनों ही छात्र उनकी एकेडमी के हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के 56 युवाओं ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जिनमें हर्षित जैन ने हिमाचल में दूसरा और हिमांशु यादव ने 24वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों छात्र राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता में भी अवश्य उत्तीर्ण होंगे। जो कल एनटीएससी का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में हिमाचल प्रदेश के लिए मेरे सेंटर से दो बच्चे क्वालिफाई करे हैं और उसमें से पहला बच्चा हर्षित जैन, जिसका रैंक 2 है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हर्षित जैन बहुत ही लायक और हार्डवर्किंग बच्चा है और यह आने वाले समय में बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा। और दूसरा जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है वो हिमांशु यादव है, जिसका रैंक 24 है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमांशु यादव बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है और बहुत कम बोलता है। उसके बारे में एसेस करना बहुत मुश्किल है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसको जो हम पढ़ा रहे उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये एसेस करना बहुत मुश्किल है। और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है और आने वाले वक्त में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। और सिटी के लिए तो ये एक गर्व की बात है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि मेरे सेंटर में इन दोनों बच्चों ने कोचिंग ली थी। 9th क्लास में भी पूरे साल कोचिंग ली थी, 10th क्लास में इन दोनों बच्चों ने कोचिंग ली थी। और जो जिन टीचरों ने इनको पढ़ाया वो भी बधाई के पात्र है। और जो ये पहला स्टेज का एग्जाम होता है वो SCERT कराती है, वो हर स्टेट वाइज होता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में पहली स्टेज के लिए 56 सीट थी, जिसमें से दो बच्चे मेरे सेंटर से क्वालिफाई करे हैं। और जो सेकंड स्टेज है, जो एग्जाम होना है, वो NCERT कराती है। और अगर ये क्वालिफाई करते हैं सेकंड स्टेज, तो जब तक ये पढ़ाई करेंगे सरकार की तरफ से इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी।